हेलो गाइज एंड वेलकम टू द सी एम बी सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। तो दिवाली स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं गुजरातियों का नया साल, नूतन वर्ष और गोवर्धन पूजा के बारे में। दिवाली के एक दिन बाद आने वाला यह त्यौहार गुजराती के लिए एक स्पेशल दिन होता है। यह दिन को गुजरातियों का नया साल होता है, जिसे नूतन वर्ष, साल मुबारक और बेस्त वर्ष के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन को पूरे भारत में गोवर्धन पूजा की जाती है। और जबकि कुछ हिंदू समुदाय अपना नया साल चैत्र मास के दरमियान मनाते हैं और गुजराती लोग कार्तिक महीने के दौरान अपना नया साल मनाते हैं, क्योंकि वह लोग इस महीने को शुभ मानते हैं। लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो चलिए ये भी सुनते हैं। इतिहास के अनुसार भगवान इंद्र ने गोकुल के ऊपर क्रोधित होकर उन्होंने तूफान और बारिश की थी, जिससे बचने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और गांव के लोग उस पर्वत के नीचे चले गए थे। उसी दिन से लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। नूतन वर्ष के दिन गुजराती सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर नए कपड़े पहनकर वह सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा और अर्चना करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें सुख शांति और समृद्धि मिले। कभी यह सोचा है कि यह गुजराती लोग इतने खुश मिजाज और व्यवहारिक क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने नए साल पर बीती पुरानी बातों को छोड़कर, दर्द को छोड़कर, बीते साल की सारी गलतफहमियां, तकलीफों और बुरी यादों को भूलकर अपने नए साल का स्वागत करते हैं। इस दिन को गुजराती अपने सारे भाई बंधुओं को इस दिन की शुभकामना, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, अपनी सारी बातें भूलकर वो उसे विश करते हैं। यह दिन वह अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाकर अपने यह नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है। नए साल को निभाने के लिए पारंपरिक रीति रिवाज और रस्मों को निभाया जाता है। यह खिलती इच्छाओं और उत्साहों का दिन है। इस प्रकार गुजरात में नया साल भारतीय परंपरा की सच्ची भावना को दर्शाता है। प्यार, एकता और एकजुटता इन समारोह की अमृत संपत्ति है। हिंदू विक्रम कैलेंडर की शुरुआत 57 ईस्वी सन पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शख्स पर उनकी जीत को स्मरणोत्सव के रूप में उसे मनाते हैं। यह विजय उज्जैन में हुई थी। इस हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है और यह कार्तिक महीने से शुरू होता है। इस बार हिंदू विक्रम वर्ष 2077 शुरू होगा। नूतन वर्ष के दौरान लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अन्नकूट का प्रोग्राम का आयोजित करते हैं। अन्नकूट यानी कि अन्न मतलब की अनाज और कूट मतलब की पहाड़, अन्न का पहाड़। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और भोजन भगवान को समर्पित किया जाता है। गुजराती लोगों के जैसे ही हर धर्म के अलग अलग नए वर्ष होते हैं, जैसे कि मराठियों का होता है गुड़ी पड़ो। तो आज हमने बात की नूतन वर्ष के बारे में और गोवर्धन पर्वत की पूजा आखिर क्यों की जाती है उसके बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तब तक के लिए हमारे चैनल की ओर से आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।